नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। S24x7 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ साजिश या अपने हक की लड़ाई। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगभग 5 लाख शिक्षक हैं और 23,000 पंचायत सचिव हैं, जो सरकार को घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसमें पंचायत सचिवों के संगठन भी सहयोग कर रहे हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार इन कर्मचारियों के सामने झुकेगी या 30 अक्टूबर से कर्मचारियों को आंदोलन का बिगुल बजाना पड़ेगा। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। इस कंडीशन में आपका जो संगठन है वो किस ओर जाएगा? हम एक मांग से तो काम चलेगा नहीं, वो तो दोनों मांगें पूरी होंगी तभी लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ होगा नहीं। तो दोनों मांगें ही वो तो साइमल्टेनियसली मानना होगा। जब सरकार बदली तो कमलनाथ जी ने कर्मचारियों को कोई सौगात दी या नहीं दी? देखिए, एक चीज बता दूँ, मध्य प्रदेश के अंदर 2018 की जो सरकार बनी थी वो सरकार केवल कर्मचारियों के कारण बनी। उनसे भी मुद्दे रहे होंगे, पर कर्मचारी का उसमें मुद्दा बहुत बड़ा था। परंतु बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि 2018 में चुनाव के पहले राज शिक्षा सेवा, जो जिसमें हमारी वरिष्ठता खत्म हुई, जिसके कारण आज हम पेंशन के लिए साथ उसका भी नाम जोड़ रहे हैं, वो घोषणा तो की थी शिवराज जी ने, भाजपा की सरकार ने, पर और उस समय कमलनाथ जी ने कहा कि ये गलत है, हम इसको निरस्त करेंगे, पर लागू उन्हीं कमलनाथ जी ने की। इसलिए हम किसी भी एक राजनीतिक दल के ऊपर विश्वास कतई नहीं कर सकते, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। मैं मनोहर दुबे, प्रांतीय शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष एवं महासंघ का जो गठन हुआ है उसका मैं पदाधिकारी। हमारे महासंघ का कल 10 अक्टूबर को गठन किया गया, जिसमें 18 संगठन महासंघ में शामिल हुए हैं और हम लोगों की प्रथम मांग नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता और मध्य प्रदेश में जो 5 लाख कर्मचारी हैं पेंशन में, उनकी पेंशन, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और मध्य प्रदेश में जो हमारे विभाग के कर्मचारी हैं, करीबन 1,000 कर्मचारी परिवार ऐसे हैं कि जिनके परिवार में हमारे शिक्षक भाई की डेथ हो गई है और उनकी हमारी माताएं बहनें आज सड़कों पर मजबूर होकर काम कर रही हैं मजदूरी, तो मैं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि अनुकंपा नियुक्ति के आदेश अति शीघ्र से प्रदेश में जारी किए जाएँ, जो हमारे एक कोरोना के दौरान अचानक मृत्यु से, दुर्घटनाओं से जिन हमारे साथियों की मृत्यु हुई उनके परिवार को एक आश्रित का एक बहुत बड़ा सहारा मिल सके। और सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि अनुकंपा नियुक्ति, वरिष्ठता पेंशन की मांगों को स्वीकृत करें और सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो 30 अक्टूबर से हमारा महासंघ का संक्रांत होगा सारे मध्य प्रदेश में, इसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत। अभी सर अनुकंपा नियुक्ति तो हो रही है ना? जी जी, लेकिन हो रही है, लेकिन उसमें शासन इतनी कमियां निकाल रही है कि हमारे लोग उसमें पात्र नहीं, पात्रता के अधीन, जैसे अभी सरकार ने प्रयोगशाला का निकाला था, प्रयोगशाला के लिए हमारे लोग भी अब पात्र हैं, फिर भी उस पर प्रयोगशाला पर रोक लगा दी है सरकार ने। तो हम लोग चाहते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए, तो भाई साहब ऐसा है, किसी को मालूम है क्या हमारा बच्चा डीएड बीएड हो जाए, हमारी डेथ होना है, वो तो ईश्वर के ऊपर होता है। आज अनुकंपा का तो होता है कि अनुकंपा उसका मतलब है कि सरकार एक मानवीय आधार पर हमारे उसके परिवार को मध्य प्रदेश शासन के संविधान के नियम कहता है तो उसकी अनुकंपा नियुक्ति कराए। कल कौन कौन पदाधिकारी चुने गए? उसमें हमारा संयुक्त जो महासंघ बना है उसमें 6 लोग तो हमारे प्रांतीय जो उसके अध्यक्ष हैं, उसमें एक महासंघ के प्रमुख पदाधिकारी होंगे और जो अन्य संगठन जुड़े हुए हैं उस संगठन के हमारे पदाधिकारी भी संगठन की आम भूमिका के मेन सदस्य होंगे। सतीश त्यागी सीहोर से। राजेंद्र परमार सीहोर। मैं जगदीश सिंह ठाकुर, क्रांति कोषाध्यक्ष, क्रांति शिक्षक संघ। सर आप? मैं अजेंद्र सिंह राजपूत, दमोह से हूँ। बताइए, आज हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं? एक्चुअली मैं आज तो प्रेस वार्ता थी जो हम लोगों के द्वारा महासंघ का गठन किया गया है और केवल इस बात को बताने के लिए एकत्रित हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये चुनावी वर्ष है और आप सचेत हो जाएं, और आपने बहुत ज़्यादा आश्वासन दिया था हम लोगों को, आज हमारी 20 साल की वरिष्ठता जा रही है, हम पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो पुरानी पेंशन वरिष्ठता के साथ बहाल करने के उद्देश्य से महासंघ बनाया गया है और ये महासंघ
सबसे पहले तो अपना निवेदन करेगा, आवेदन करेगा, ज्ञापन देगा, और उसके बाद भी यदि हमारी मांगें पुरानी पेंशन बहाली और वरिष्ठता के साथ नहीं मानी गई तो हो सकता है हमें आने वाले समय में उग्र आंदोलन पड़े करना पड़े, और हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे ही यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया और मानी नहीं गई तो। बिल्कुल 100% वो जानते हैं इस बात को, LIB सर्वे करा लें कि मध्य प्रदेश का शिक्षक कितना प्रताड़ित है, अध्यापक संवर्ग कितना प्रताड़ित है, और इसका प्रभाव आम जन पर पड़ रहा है, लोग समझ रहे हैं। जब हम ज्ञापन देने जाते हैं तो सही सब सभी सही लोग कहते हैं कि यार बुढ़ापे में वास्तव में क्या करेंगे, 50,000 वेतन मिलने वाले अध्यापक को 500 रुपया पेंशन मिलेगी, 500 रुपया दिन का खर्च है। आज की महंगाई देखिए, महंगाई कहाँ पहुँची है, वो अपना जीवन यापन अपने परिवार का पेंशन में कर ही नहीं सकता है, इसलिए प्रभाव पड़ना तय है और वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में पूरे आम जन कहते हैं यार क्या भविष्य, अपने परिवार का खर्चा कितने में चल सकता है, क्योंकि अभी तो हमें देखो आज वो परिवार एक सामान्य जीवन के लिए 25,000 से 30,000 रुपया खर्चा है, एक दवाई दारू से लेके बुजुर्ग माता पिता से लेके परिवार 30,000 रुपया दी, पेंशन भी मिलती है तब भी खर्च चलाना है आज की महंगाई। फिर उस समय जब हमारा रिटायरमेंट होगा उस समय यदि आपने हमें NPS के सहारे रहे तो खत्म है काम, हम मजदूरी करने बात दोगे बुढ़ापे में शिक्षक किस प्रकार में प्रदर्शन रहेंगे या फिर हम आमरण अनशन पर बैठेंगे? नहीं, अभी हम गांधीवादी तरीके से मध्य प्रदेश शासन को हमारी पूरी जो पुरानी पेंशन बहाली का जो मांग पत्र है 1 महीने के लिए हम उनको देंगे, इसके बाद में मध्य प्रदेश शासन नहीं मानती तो फिर हम क्रमबद्ध चरणबद्ध जो आंदोलन हमारा संगठन पुनः विचार करके वो घोषित करेंगे डेट। यदि सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो हमें आगे की कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये बात सच है कि मध्य प्रदेश की सरकार चाहे जिस भी पार्टी की रही हो, कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम आपको याद दिलाएं 2003 उमा भारती जी जब बनी थी तो कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंट सरकार है उसको भोगना पड़ सकता है कि वो मांगे नहीं मानती हैं। बिल्कुल, कर्मचारी बहुत बड़ी शक्ति है और कर्मचारियों की मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी को मानना पड़ेगा। और पहले कांग्रेस सरकार कमलनाथ सरकार जो थी उनसे हमें कुछ फ़ायदा हुआ था 1.5 साल के अंदर? कमलनाथ सरकार ने हमारे लोगों के लिए एक क्लिक में 40,000 लोगों के ट्रांसफ़र किए और उन्होंने घोषणा भी की थी अपने वचन पत्र में कि हम आपकी मांगों को जो है ना जल्द से जल्द निराकरण करेंगे, मगर वो सरकार नहीं है। और हमें तो इसी सरकार से पूरी आशा है कि हमारे शिवराज जी हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। देखिए, पुरानी पेंशन बहाली मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षकों अकेले का काम नहीं है, पुरानी पेंशन पंचायत सचिवों को मिलनी चाहिए क्योंकि पंचायत सचिव भी एक कर्मचारी है। और जो शिक्षक मांग कर रहे हैं मैं उस मांग का पूरा समर्थन करता हूं क्योंकि पंचायत सचिव भी आज अल्प वेतन में काम कर रहा है। पंचायत सचिव रिटायर होकर जाता तो आज कल ही मैं इछावर में हमारे साथी को साल और श्रीफल भेंट करके आया हूँ, केवल साल और श्रीफल। तो हम चाहते हैं सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे और सभी कर्मचारियों को इसका लाभ हो, सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना चाहिए। पंचायत सचिव प्रदेश में मात्र 23,000 है, शिक्षकों की संख्या तो 2.5-3 लाख है। हम यह चाहते हैं कि पंचायत सचिव को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, इसलिए मैं इस पुरानी पेंशन बहाली संगठन में आज आया हूँ। और मुझे 16 तारीख को जो महाकुंभ है पेंशन महाकुंभ इच्छा महेश्वर में, उसमें भी आमंत्रित किया है। मैं पंचायत सचिव संगठन की ओर से उसमें अपना समर्थन प्रदान करता हूँ। मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मिलेंगे।